शो शुरू हो रहा है 26 फरवरी रात 8 बजे हर शनिवार और रविवार को। तो इंडियन प्रो म्यूजिक लीग शुरू होने वाला है 26th of July। आ जाओ मिका सिंह और सुनिए ध्यान से कि मेरे भाई क्या कहने वाले हैं। यस जी दोस्तों, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग शुरू होने वाला है फरवरी 26th रात 8 बजे शनिवार रविवार हर हफ्ते आने वाला है ZTV पर और Z5 चैनल पर। तो देखना ना भूलिए, सुनना ना भूलिए, क्योंकि म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा। आइए आइए कैलाश जी आइए। क्या बात है, वाह। आइए आइए कैलाश जी आइए जी। थोड़ा भले ही हम अपोजिट टीम हो लेकिन हमारे दिल बड़े मिले हुए हैं, क्योंकि बहुत पुराना याराना है और बट बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इस तरह का शो दुनिया में पहली बार होने जा रहा है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस शो का हम हिस्सा हैं। और बहुत कमाल कमाल के कलाकार और बहुत डिफरेंट जॉनर्स हमको सुनने को मिलेंगे और परफॉर्म करने को मिलेंगे। यूजुअली हम किसी भी शो को जज करते हैं या फिर एज अ जज हम लोग आए हैं, लेकिन एक ये पहला इत्तेफाक होगा कि परफॉर्मेंस करें और इस तरह का माहौल मिले, तो वी आर वेरी एक्साइटेड जी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 8-9 साल के बाद फिर से जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से मिले, शुरुआत हुई और ZTV पे हम लिटिल चैंप कर रहे थे साथ में, तो इत्तेफाक की बात है। अब ये पहली बार दुनिया में ऐसा एक शो बन रहा है दुनिया में जो म्यूज़िक का प्रीमियर लीग टाइप का है, तो इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इसका नाम है IPML और ZTV और Z5 पर ये आ रहा है। 26 फरवरी से शनिवार रविवार रात 8 बजे से ये आ रहा है। ऐ मेरे प्यारे संगीत के प्रेमियों, खुशी की बात यह है कि बेहुदी बातें बहुत हो गई थी जिंदगी में, तो जब कहते हैं अंधकार के बाद फिर उजाले को ही आना होता है, शोर के बाद सन्नाटे को ही आना होता है, सन्नाटे के बाद शोर को ही आना होता है, और अब तो म्यूज़िक आ रहा है, न शोर है न कोलाहल, संगीत। 18 लोग तगड़े वाले 18 सिंगर्स एक साथ आएंगे और आप लोगों को घर बैठे खुश रखेंगे। बस आप ये है कि जो भी है TV अगर ख़राब हो तो ठीक करवा लो और अगर पैसे ना हो तो हम सब कर लेंगे मिल बांट के। लेकिन ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक लोगों को प्योर म्यूज़िक सुनने को मिलेगा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमारा नारा भी है IPML का कि म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा। कहने को एक कंपटीशन है, लेकिन जैसा जावेद ने कहा बहुत ही प्यारी बात कि दिलों में हम लोग एक ही हैं, दिल हमारे मिले हुए हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं। सारे इकट्ठे होके समझ लीजिए गाना ही गाना गाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और इतना गाना गाएंगे कि आप सब भी गाएंगे घर बैठकर हमारे साथ। हमारी वही स्पिरिट थी इस पूरे शो को लेकर,
तो 6 टीमें हैं कहने के लिए और कंपटीशन भी होगा, थोड़े बहुत डायलॉग्स भी होंगे, लेकिन एक क्लास होगी डायलॉग्स में, लगेगा कि परिवार में बैठ के हाँ ऐसी मस्ती तो बड़ों के साथ छोटों के साथ सबके हो सकती है। तो इस बार ये बहुत ही हेल्दी डायलॉग्स होंगे और संगीत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर टू लाइन सुनने को अगर हम मिले आप लोगों की तरफ, हाँ मौला मेरे मौला। हम भारत के साथ हैं, हम भारत के साथ में हैं और देखिए भारत की गरिमा को जहाँ भी कोई भी आँच आवे, कोई दृष्टि दिखाए, कोई आँख दिखाए, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। घर झगड़े समस्याएं हर घर में हैं, लेकिन वो घर की समस्याएं वो घर वाले मिल बैठ सुलझा सकते हैं, निभा लेंगे, लेकिन कोई और अगर आँख दिखाए तो फिर जिसकी समस्या है वो भी जुड़ जाता है और बोलता है अच्छा आ जरा बाहर आ जा। मेरे ख्याल से हम अपने घर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मुल्क के, हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, किसी को इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा देश सक्षम है, समर्थ है। अब तो देखिए जिस देश को दुनिया वाले कहते थे स्नेक चार्मर्स कंट्री, जिस देश को कहते थे स्लेवरी नेशन, टुडे आवर कंट्री इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू द वर्ल्ड इन द से फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ऐसा मेरा देश जो दुनिया बचा रहा है, तो ये है खुशी की बात। थैंक यू। हर हर महादेव, बोल शंकर। ओके, तो यहाँ से शुरू करके वहां तक जाते हैं। देख ले। हर हर महादेव। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैं यार किसी की क्लास नहीं लेने वाला हूँ। आई एम ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई थिंक हम सभी एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड हैं। 1.5-2 साल हो गए हम सब घरों पे बैठे थे या जूम कॉल पे काम कर रहे थे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि एक लाइव स्टेज पे जाना। बिकॉज आई थिंक फॉर एनीबडी यार, आई थिंक आप लोगों के लिए भी जो आप काम करते हैं और हम लोगों के लिए भी जो हम काम करते हैं, मैन स्टेज का एक फंडा, एक लाइव ऑडियंस का फंडा, चाहे जितनी भी मिनिमलिस्टिक ऑडियंस है, आई थिंक उस चीज़ का जो और ये देखो, ये मेरे को, मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है। फ्री में मुझे इतने बड़े बड़े कलाकारों को लाइव सुनने में मिलता है, एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी दैट यार आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। पहला सीज़न है, कभी हुआ नहीं है। हम हमेशा हर शो में बोलते हैं कि कुछ नया होगा या कुछ नया है, बट ये कॉन्सेप्ट इज़ कम्प्लीटली न्यू, नया कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप दिस बिकम्स एज बिग एज द मेकर्स ऑफ थॉट दैट दिस विल बी। जी जी यार, आई एम वेरी लकी दैट यू नो आई एम गेटिंग टू वर्क विद जी अगेन। मेरा जो मेन स्ट्रीम लास्ट रियलिटी शो था वो जी पे ही था, उसके बाद कोविड हो गया। लकीली मैंने पिछले साल काम बहुत किया है, बट सब हमने घर से किया है, या मैं कंटेस्टेंट था दूसरे शो पे। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट मे बी आई डिड समथिंग गुड लास्ट टाइम ऑन जी, दैट दे हैव कॉल्ड मी बैक, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट।
थोड़ा जब हम शूट करेंगे तब हमें ज़्यादा एक्चुअली पता चलेगा, बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन रियलिटी दैट जजेस नहीं होने वाले हैं. तो यूजली क्या होता था, हमारा एक जो एंकर का रिलेशन होता है वो ज़्यादातर जजेस से यू नो ज़्यादा बढ़ता है, एंड हम कंटेस्टेंट्स और जजेस के बीच में एक मीडियम होते हैं. बट आउट हेयर दिस गाइज़ आर सो गुड एंड दे आर सो बिग ऑल ऑफ देम कि इन्हें जज करने के लिए आई थिंक जनता ही आई थिंक सही है. एंड आई होप एवरीवन यू नो द बेस्ट वन विंस. बट एक चीज़ जो शो की मुझे बहुत अच्छी लगी है, जितना भी हमने भी शूट किया है, दो इट्स अ कॉम्पिटिशन है, लेकिन एवरीवन्स फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग दैट इवेंचुअली टीम्स शायद अलग अलग सिटीज़ या स्टेट की हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द विक्ट्री विल बी ऑफ म्यूज़िक. और देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं, कोई भी जीते हम तो फाइनल तक जा रहे हैं. हाँ जी, मुझे म्यूज़िक यार बहुत, मुझे मतलब आई एम जस्ट, दिस इज़ एक्चुअली माय सेकंड म्यूज़िकल शो. म्यूज़िक रियलिटी शोज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा आई थिंक एज अ ऑडियंस मैं लेता हूँ, लुत्फ़ उठाता हूँ, क्योंकि यूजली यू डोंट गेट टू हियर ऑल दीज गाइज लाइव. यू गेट टू ऑब्वियसली हियर देम इन फिल्म्स. और जहाँ तक मेरा रिश्ता है म्यूज़िक का, मुझे गाने का बहुत शौक़ है, कोई सुन नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं गाना तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा शो पे. इतने सारे सिंगर्स के बीच में अगर मैंने गाना गाया तो फिर आप नया एंकर देखेंगे फिर एक शो पे. जी बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया. आई थिंक मैंने पहली बार एक्चुअली बिग बॉस भी फॉलो किया है लाइफ में, रिलीजियसली फॉलो किया है, और उधर भी बहुत मज़ा आया. एंड आई थिंक जहाँ जहाँ सलमान भाई जाएंगे वहाँ वहाँ करण भाई भी पहुँच जाएंगे. कोई भी जीते यार, मैं तो कसम से बताऊँ कोई भी जीते, अब जितने बचे हैं ना सारे मेरे बिल्डिंग में रहते हैं ऑलमोस्ट. तो आई होप यार कोई, मतलब आई ऑनेस्टली यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इनसाइड, एंड वो शो के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही अलग हैं. वो शो आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड आई थिंक हूएवर विंस इवेंचुअली विल कम आउट एंड सी व्हाट दे हैव डन ऑन द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी सर, हाँ आ जा भाई. Hello everyone. How are you, brother? Actually, बहुत मज़ा आ रहा है ये. I will tell you one thing के this is one of the biggest show of India right now, and बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे. मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से, येस ऑफ कोर्स मैं पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन भी हूँ, बट फ्रॉम द बिगिनिंग हम इस पर मेहनत करे जा रहे हैं. इनफैक्ट वाजिद ने भी मेहनत इस पर करी है. हम लोग करीबन 6-8 महीने से इस पर मेहनत कर रहे हैं, एंड आज ये पूरा जो चीज़ें बातें करते थे, ख्वाब देखते थे, वो आज हमारी पूरी होती जा रही है. इनफैक्ट एंड हैट्स ऑफ टू निखिल चतुर्वेदी एंड पुनीत सर जी एंड सलमान खान साहब, जो कि यू नो जिन लोगों ने मिल के ये शो को इतना बड़ा बनाया है. सो येस आई एम इन्जॉइंग एंड एवरीबडी इज़ इन्जॉइंग इट. एंड कॉम्पिटिशन तो कम, ये ऐसा लग रहा है कि एक म्यूज़िकल पिकनिक है जिसमें सब लोगों को मज़ा आएगा, एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोगों को मज़ा आएगा, हमारी मेहनत रास आएगी. जैसा कि आपने कहा कि म्यूज़िकल पिकनिक होने वाला है, बहुत यहाँ कोई जज नहीं
नहीं, मेरे ख्याल से ये एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है, जैसे हर प्लेटफॉर्म में जजेस होते थे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक न्यू कमर नोटिस नहीं होगा, वो न्यू कमर सीधे स्टार बन जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस शो के अंदर। एंड जजेस करना वो एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग सिस्टम है, जैसे ऑफकोर्स हमारे देश में वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है, बट ये एक डिफरेंट रूप है म्यूज़िक का, एक डिफरेंट अंग है, एक डिफरेंट रंग है, और आई थिंक ये बहुत अच्छा चलेगा बिकॉज सारा फुल्ली पैक्ड ओवरऑल, इतना बड़ा, इतने सारे आर्टिस्टों के साथ इतना पैक्ड शो है ये कि इट्स लाइक मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे आर्टिस्ट पहले कभी मंच पे आए होंगे। एंड इट्स डिजाइंड वेरी नाइसली एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द जी टीम एंड ऑल द ओनर्स हु आर रिलेटेड टू दिस शो एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द सिंगर्स। आई थिंक सब लोगों की बहुत तगड़ी मेहनत है, अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है, आगे देखो देखो मज़ा आएगा। जी मैं इस शो को पूरे शो को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, वैसे मैं दिल्ली से हूँ, हाँ मुझे दिल्ली में डाल दिया गया है, बट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट एंड मेरे ख्याल से टीम कोई सी भी हो, म्यूज़िक ऊँचा रहे हमारा, दैट इज़ दिस थिंग। जी आप यकीन मानिए, यस ऑफ कोर्स, ये शुरुआत मेरे ख्याल से वाजिद और निखिल भाई ने की थी इसको, एंड वाजिद जब ही वाज नॉट वेल, ही वाज हॉस्पिटलाइज, वो इंसान उस वक्त भी शो के लिए फिक्र कर रहा था, एंड मुझे, मैं जा रहा था तो मुझे कहता था कि साजिद भाई निखिल भाई का ये शो आ रहा है अपना, इसके ऊपर मेहनत करनी है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आई विल जॉइन इट, बट यू प्लीज़ बी विद हिम, बी विद भाई एंड जस्ट सी हाउ वी कैन मेक दिस शो हैपन, इट इज़ अवर ड्रीम एंड येस ऑफ कोर्स आई बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैंने कभी शो किया नहीं वाजिद के बगैर, आज जितने भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, जितने भी गाने गाए हैं, वो हमेशा वाजिद ने ही गाए हैं, वाजिद ही प्लेबैक और सिंगर रहा है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आज मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे सामने इतने बड़े बड़े सिंगर्स, इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने हैं, एंड आई एम अ न्यू कमर, सो आई एम फीलिंग दैट आई एम द न्यू कमर ऑन दिस शो, बट येस ऑफकोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड जिस दिन मैं आया कल, काफ़ी मन भावुक हो गया जब पहली बार मैं आके बैठा, तो आई फेल्ट के वाजिद कहीं ना कहीं से निकल के आएगा या कोई सी टीम में बैठा होगा, बट मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि आई फील हिम हियर, आई फेल्ट हिम यस्टरडे एंड ही इज़ वेरी मच देयर विथ मी, इन मी, एंड मैं जब तक जिंदा हूं तब तक वाजिद का नाम लेने के लिए आप मेहनत करता रहूंगा और आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी मेलेडी लेके आएंगे, साजिद वाजिद ही। और लेट मी टेल यू वन थिंग, वैसे तो मेरा नाम साजिद है, मेरे भाई का नाम वाजिद है, बट आज से मेरे को प्लीज़ सब लोग साजिद वाजिद ही बुलाइए तो अच्छा है, आई डोंट बिलोंग टू साजिद वाजिद, साजिद वाजिद ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू सो मच, प्रे फॉर मी गाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी नमस्कार, कोशिश है कि इसको सबसे बड़े पैमाने पर लेके जाएं, और ये भी कोशिश रहेगी कि हर साल आपको ये म्यूजिक लीग हम देते जाएं। आप भी गाना गाते हैं वो बहुत ही वायरल हो जाता है, तो क्या हम यहाँ पर आपकी भी कुछ झलकियाँ देखेंगे?
देखेंगे देखेंगे, वो जब आप शो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफी एनर्जी है एक म्यूज़िक। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है म्यूज़िक, बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था इंक्लूडिंग मी, मैंने भी 3 गाने बनाए और बहुत तीन गाने बना के हमारे चैनल पे डाल भी दिए थे जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है इसके इसकी जो एनर्जी होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ एनी लीग एक, तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूज़िक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। मेरी तरफ से यही होगा कि द बेस्ट मैन विंस, बेस्ट टीम विंस। ये लोग कहाँ जा रहे हो? जी हाँ बस, देखो हाँ तो अब हमारी तो 3 पिक्चर रेडी बनकर बैठी हैं। तो सिंगल स्क्रीन्स की का बहुत मुश्किलात यह है कि वैसे ही बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर। तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं, अब वो ऐसे लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फील आ रहा है वहाँ वहाँ पर, एक शमशान जैसा फील आ रहा है कि एकदम सूना सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे चलाएंगे, और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस के वजह से बंद हो चुके हैं। तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी हमारा यही बिजनेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ थिएटर्स के अलावा। तो एक कैच-22 सिचुएशन है, और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट है। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो और वैसे ही देख लो आप सब नॉर्मल घूम रहे हैं, और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आए देखने के लिए पिक्चर तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज वगैरह कर लें ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है, प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स का कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं, और दुआ है कि 2021 और 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक इट्स नॉट कूल एट ऑल। जी हाँ गौर से सुनिए, ओ तेरे प्यार में
तेरे इंतजार। वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई, या मेरा ही लेना देना है वैलेंटाइन डे से? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे, गॉड ब्लेस, बी सेफ। हाँ कहूँगा, जरूर कहूँगा, ऑफ कोर्स। So the right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज होनी चाहिए हर एक के साथ। विजुअल done with this?